गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास फॉर क्लास सेवन्थ स्टूडेंट्स। टुडेज आवर टॉपिक इज डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल दैट डिवीजन इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। That means division and multiplication of integers are related to each other. Multiplication और division दोनों related होते हैं एक दूसरे से। सबसे पहले हम आपको कुछ बताते हैं कैसे related होते हैं। देखिए, मान लीजिए माइनस फाइव इंटू सिक्स इज इक्वल टू 30। चलिए मान लीजिए दो नंबर को मैंने ले लिया यहाँ पर, माइनस सिक्स और फाइव। यहाँ से देखिएगा, माइनस सिक्स और फाइव हमने दो नंबर्स को लिया है। इन दोनों नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस सिक्स इंटू प्लस फाइव। इसका प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस थर्टी। फाइव सिक्स जा थर्टी, और माइनस प्लस अनलाइक साइंस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाएगा। ये देखिए, माइनस सिक्स इंटू फाइव इज इक्वल टू माइनस थर्टी। जब आप किसी इंटीजर को किसी दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो एक दूसरा इंटीजर, तीसरा इंटीजर मिलता है। ये आपका हो गया मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, ठीक है। लेकिन इसी मल्टीप्लीकेशन फैक्ट को आप डिवीजन फैक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जो इनका प्रोडक्ट आया है, दो इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट आया है उसको आप पहले नोट कर लीजिए, माइनस थर्टी डिवाइड बाई, अब पहली नंबर से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई माइनस सिक्स। जब आप दो नंबर्स के इंटीजर्स, दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं तो आप कोशेंट के रूप में सेकंड नंबर को पाते हैं। आप देखिए, जब माइनस थर्टी को आप माइनस सिक्स से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? फाइव। ऐसे ही दोनों इंटीजर्स के प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट से जब आप सेकंड नंबर से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट के रूप में आपको पहली वाली नंबर मिल जाती है। जब आप माइनस थर्टी को डिवाइड करेंगे फाइव से तो आपका क्वेश्चन मिलेगा माइनस सिक्स। ये दोनों फैक्ट कहलाते हैं डिवीजन फैक्ट। क्या कहलाते हैं? डिवीजन फैक्ट। इसलिए हमने कहा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आर रिलेटेड टू ईच अदर। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं रूल्स ऑफ साइन इन डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। रूल्स ऑफ साइन rules of sign in division of integers। इंटीजर्स के डिवीजन में साइन मतलब चिन्हों का क्या नियम है आपको मैं सिखाता हूँ। जैसे देखिए, पहला हैविंग लाइक साइंस, पहली कंडीशन होती है हैविंग लाइक साइंस। लाइक साइंस मतलब जब चिन्ह जो है, साइंस जो है लाइक हो, समान हो। टू फाइंड द कोशेंट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर्स having same sign, to find the quotient of two non-zero integers having same sign, we first divide them as whole number. We divide them as whole number and then prefix the plus sign. Then prefix the plus sign. ऐसी दो नंबर्स को डिवाइड करना जो जिनके साइंस क्या हो, लाइक हो, समान हो। तो क्या करते हैं उनको, जैसे आप होल नंबर को डिवाइड करते थे वैसे ही बिल्कुल डिवाइड करेंगे और लास्ट में प्लस साइन जो है ऐड कर देते हैं, नोट कर देते हैं कोशेंट में, ठीक है। जैसे देखिए, पहला है 56 डिवाइड बाई 7,
56 डिवाइड बाई 7. स्टूडेंट्स आई टोल्ड यू टू फाइंड द क्वोशंट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर्स. टू फाइंड द क्वोशंट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर्स हैविंग सेम साइन, वी फर्स्ट डिवाइड एज होल नंबर्स एंड देन प्रेफिक्स प्लस साइन. आप इसको होल नंबर की तरह ही डिवाइड कीजिए, लास्ट में प्लस साइन जो है क्वोशंट में ऐड कर दीजिए. अब देखिए 56 में 56 को डिवाइड करना है 7 से, 7 8 जा 56. जब आप 56 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 8 टाइम्स जाएगा. ऐसे आप होल नंबर्स में डिवाइड करते आए हैं. 56 पॉजिटिव है, 7 भी पॉजिटिव है, तो हमने क्या आपको बताया, टू फाइंड द क्वोशंट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर्स हैविंग सेम साइन, वी फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर्स. आप इन नंबर्स को होल नंबर की तरह ही डिवाइड कर लीजिए एंड प्रीफिक्स प्लस साइन टू द क्वोशंट, और आप क्वोशंट में प्लस साइन ऐड कर दीजिए. ठीक है, जैसे आप दूसरा ले लेते एग्जांपल, -96 डिवाइड बाई -12. देखिए -96 डिवाइड बाई -12, 96 इज नेगेटिव एंड 12 इज आल्सो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव लाइक साइंस. टू फाइंड द क्वोशंट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर्स हैविंग सेम साइंस, फर्स्ट वी डिवाइड देम एज होल नंबर. सबसे पहले आप उनको होल नंबर की तरह ही डिवाइड कीजिए. 96 डिवाइड बाई 12, 12 एट जा 96, 12 एट जा 96, एंड देन एड प्लस टू द क्वोशंट, और क्वोशंट में आप प्लस को ऐड कर दीजिए. ये होता है हैविंग लाइक साइंस, रूल्स ऑफ साइन इन डिवाइजिंग डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हैविंग लाइक साइंस. जब इंटीजर्स में के चिन्ह जो है लाइक हो, समान हो, तब आपको डिवाइड करना हो तो ऐसे करते हैं. ठीक है, आप नंबर्स को होल नंबर की तरह डिवाइड कर लीजिए और लास्ट में प्लस सिंबल जो है प्रेफिक्स कर दीजिए, ऐड कर दीजिए. दूसरी कंडीशन होती है हैविंग अनलाइक साइंस, हैविंग अनलाइक साइंस. Having unlike signs. जब इंटीजर्स के साइंस कैसे हों, अनलाइक हो, असमान हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो. टू फाइंड द क्वोशंट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर्स हैविंग अनलाइक साइंस, वी फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर्स एंड देन प्रीफिक्स माइनस टू द क्वोशंट, माइनस साइन टू द क्वोशंट. दो इंटीजर्स, दो नॉन जीरो इंटीजर्स को डिवाइड करते समय जिनके साइंस अनलाइक हो, पहले आप एज अ होल नंबर डिवाइड कर लीजिए और लास्ट में माइनस साइन को प्रीफिक्स कर दीजिए क्वोशंट में. जैसे मान लीजिए 49 डिवाइड बाई -7. देखिए 49 को डिवाइड करना है -7 से. स्टूडेंट 49 डिवाइड बाई -7 प्लस माइनस अनलाइक साइन. टू फाइंड द क्वोशंट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर्स हैविंग अनलाइक साइंस, वी फर्स्ट डिवाइड देम एज अ होल नंबर्स. सबसे पहले उनको आप होल नंबर्स की तरह ही डिवाइड कर लीजिए. अब जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 49 को कितने टाइम जाएगा, 7, 7 जा 49, 49 को जब डिवाइड करेंगे 7 से 7 टाइम जाएगा, देन प्रीफिक्स माइनस साइन टू द क्वोशंट, लास्ट में आप माइनस साइन को क्वोशंट में ऐड कर दीजिए, प्रीफिक्स कर दीजिए. ऐसे आप कर लीजिए. दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, -88 डिवाइड बाय 11, -88 डिवाइड बाय 11. एज आई टोल्ड यू टू फाइंड द क्वोशंट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर्स हैविंग अनलाइक साइंस, वी डिवाइड देम एज होल नंबर्स. आप सबसे पहले होल नंबर की तरह डिवाइड कर लीजिए इनको.
88 डिवाइड बाई 11, 11 8 जा 88, देन प्रेफिक्स माइनस साइन टू द कोशेंट, इसके बाद कोशेंट में माइनस साइन को आप नोट कर दीजिए, ठीक है, ये होता है। अब आगे आपको बताते हैं कि रूल्स ऑफ साइन इन डिविजन्स, रूल्स ऑफ साइंस इन डिविजन। जब मान लीजिए पहला इंटीजर आपका पॉजिटिव हो, ठीक है, और दूसरा इंटीजर आपका पॉजिटिव हो, तब आपका जो कोशेंट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। जब आपका पहला इंटीजर पॉजिटिव हो और दूसरा इंटीजर भी पॉजिटिव है तो उनका कोशेंट भी पॉजिटिव होगा। जब आपका पहला इंटीजर निगेटिव हो और दूसरा इंटीजर पॉजिटिव हो तब आपका कोशेंट निगेटिव होगा। जब आपका पहला इंटीजर पॉजिटिव हो और दूसरा इंटीजर निगेटिव हो तब भी आपका कोशेंट निगेटिव ही होगा। और जब आपका पहला इंटीजर निगेटिव हो और दूसरा इंटीजर भी निगेटिव हो तब आपका कोशेंट पॉजिटिव होगा। प्लस प्लस लाइक साइंस का कोशेंट प्लस ही रहेगा, माइनस प्लस अनलाइक साइंस का कोशेंट निगेटिव रहेगा, प्लस माइनस अनलाइक साइंस का कोशेंट निगेटिव रहेगा, माइनस माइनस लाइक साइंस, लाइक साइंस का जो कोशेंट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू लाइक साइंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू अनलाइक साइंस इज ऑलवेज निगेटिव। स्टूडेंट्स, ऐसे ही आप नंबर्स को, इंटीजर्स को आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। आपको बताते हैं आगे डिवीजन ऑफ जीरो, डिवीजन ऑफ जीरो। डिवीजन ऑफ जीरो, जीरो से डिवाइड। मान लीजिए कोई नंबर है फाइव, फाइव को डिवाइड करना है जीरो से, फाइव को डिवाइड करना है जीरो से, आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव बाई जीरो। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं डिवीजन ऑफ एन इंटीजर, डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। जीरो से किसी संख्या को भाग देना यह डिफाइंड नहीं है, इनफाइनाइट है, ठीक है। आप किसी भी इंटीजर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, यह डिफाइंड ही नहीं किया गया है। एनी इंटीजर डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में इतना ही, आगे क्लास में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन बताया जाएगा। तब तक के लिए आप अपनी मैथ्स की बुक से डिवीजन, रूल्स ऑफ साइन इन डिवीजन ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन मिलेंगे आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।